हेलो संगत, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैंने जाना है अपने सहेली लेने के लिए। पूरे घर वाले सो रहे हैं और किसी ने बनाई नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही खुद जाकर अपने लिए लेके आता हूँ और मैं ही रोज़ा रखूँगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग अफ्तारी तक। तो बने रहिएगा व्लॉग के एंड तक। पूरा दिन में क्या क्या होता है वो सब आपको मैं दिखाऊँगा। अभी पूरे टाउन में कोई भी नहीं है। हमने एक होटल है पठानगी, नई बनाई है। अब ज़्यादातर लोग ना कभी अंडा पराठा कभी चाय पराठा खा लेते हैं, लेकिन आज मेरा सीन है कि मेरा दोनों का मन कर रहा है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग क्या खाते हो, अंडा पराठा या चाय पराठा। ठीक है, तो भाई बात ये, अभी फाइनली मैंने सहरी के लिए नाश्ता ले लिया है, तो अभी चलते हैं और खाते हैं फटाफट, क्योंकि अभी ऐलान सुना है तो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी अपने पास ना। तो पहले कुछ लेते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, क्योंकि सहरी को और कोल्ड ड्रिंक तो लाजमी अफ्तारी में और शहरी में तो कोल्ड ड्रिंक पहनी होनी चाहिए। पूरा का पूरा टाउन खुला हुआ है, पता है ये दुकान हद से ज़्यादा दुकान खुले ही खुले रहे। कौन सी लेनी चाहिए, बजट इनका ये तो यही लेते हैं। सुनिए यार, कल मुझे ना इंटरव्यू देने भी जाना है, तो जॉब के सिलसिले में तो दुआ करो वो भी हो जाएगा, कि अच्छी खासी है और अच्छी सीट है। सहरी आ गई है, सहरी करने के बाद मैं सो गया था, नमाज पढ़ के सो गया था मैं। सो अभी मैं उठाऊँ जाकर, और अभी ये सीन है कि मुझे अभी मेरा सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए। मैनू भी मेरे साथ ही चलेगा, तो बस लेट्स गो। मैंने बाइक निकाल ली है, चलो तो भाई अभी बात यह है कि यहाँ पे हम आ गए उधर, मतलब अपने पेपर्स वगैरह अपने दे दिए, बाकी अंदर का अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी पहले पक्का तो हो रहा है, जॉब मिलेगी नहीं अभी दिखा दूँ मैं हर चीज। तो बस ये सीन है, और फिलहाल मैं और नैनो दोनों खड़े हुए हैं, और अभी उठे तो रोज़ा भी इतना नहीं लग रहा, लेकिन जो भी सीन है करते हैं। नैनो का रोज़ा नहीं है, मेरा रोज़ा है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। जान के मुंह बना रहा था ताकि लोगों को लगे कि रोज़ा है और तू बोल कर रख जाते हैं। भाई अभी पेपर वगैरह हम दे के आए हैं, और फिर हम लोग आए गए हैं वापस, और हमने पेपर्स वगैरह जमा करवा दिए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जॉब के अबाउट, और उन लोगों ने कहा कि 2 से 3 दिन लगेंगे अप्रूव होने के लिए। और अभी हम वापस आ गए, और जैन भाई जो है अभी दाढ़ी वगैरह कटवा रहे हैं, और दाढ़ी कटवाने के बाद सीधा हम जाएंगे घर, और उसके बाद जो है वो रोज़ा खोलेंगे। अभी तो मतलब 11 बज रहे होंगे। टाइम क्या हो रहा है जैन? 11:30 बज रहे हैं। सर क्या हाल है आपके? जैन क्लीन शेव हो जा। भाई वीरप्पन साहब, वीरप्पन मिलेगी तो। सो भाई फाइनली घर पे आ गए हैं, मैंने शेव वेव करवा ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी शेव। सो खैर ये सीन है, सो अभी मैं शेव वेव करवा के आया हूँ, और थोड़ी देर लेटते यार कमर सीधी करते, क्योंकि उठते ही बस निकले जब भाग के निकले थे। तो ये सीन में थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर नमाज के टाइम मिलते हैं आपसे। सीखे सो भाई अभी हाथ मुँह धो के फ्रेश हो के वेट कर रहा हूँ रोज़ा कब खुलेगा। अभी तो मतलब अपना टाइम हुआ है 4 बज रहे हैं, और अभी भी मतलब 6:40 तक रोज़ा खुल जाएगा, मिल के कर लेंगे, मतलब कहीं चलते हैं चक्कर वगैरह लगाएंगे। लेकिन सच बताऊँ तो मुझमें ना मतलब हिम्मत ही नहीं है आज सुबह को, जैसे नींद से मतलब, क्योंकि सहरी के बाद मैं जाहिर सी बात नमाज पढ़ी, फिर कुछ कर रजाना दिया। तो मिलते हैं नमाज के बाद, क्योंकि मैंने तैयार भी हो गया हूँ मैं। सो गाइस फाइनली अजान हो गई है, दुआ पढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी सहरी अफ्तारी। ये
सो फाइनली गाइस अफ्तारी हो गई है और अफ्तारी भी कर ली है, तो अभी ये सीन है, अभी हम नमाज पढ़ेंगे। तो बस आज के व्लॉग आपको पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।